हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथी लोग साहब का स्वागत कर रहे हैं और आपकी तालियां बराबर बजती रही हैं। आदर्श कॉलोनी महेंद्रगढ़ से भी कुछ साथी यहां आए हैं, वो भी साहब का सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। प्रचार करेंगे। 21 तारीख को एक ऐसे माहौल को तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था को बना रहे हैं जिसका एक छोटा सा नमूना आज हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ इतनी भारी तादाद में तुर्तागिरी अखाड़ा गौरपा गौशाला धार्मिक गौशाला गुरुद्वारा सभा तो सूर्यदेव साक्षात प्रकट होकर के और आपको मेरी कोख में डाल के अब मेरे को मेरी स्थिति का आभास हुआ। एक तो मैं कमारी ऊपर से 15 साल की आई हूँ और मेरी कोख में कर्ण है तो कर्ण मैं ही जानती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा, माँ तो तेरी मैं ही हूँ। नंबर 3 में तो आइए एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। आप ताली जरूर बजानी चाहिए। महिलाओं की तो चलो देखी जाए, कोई बात को नहीं, किसी के मेहंदी लाग रही हो चूड़ी चाड़ी पे रखे हो, आदमी अनगेप है। ये सुरेश जोर से ताली बजाओ आप। तो मैं जो जिक्र कर रहा था अनेकानेक संस्थाएं मुझे याद आ रही है, छोटू ना बन रही संदीप नहीं आंधी है और आज का महात्मा गांधी है। संदीप नहीं आंधी है आज का महात्मा गांधी है। संदीप नहीं ये आंधी है, क्या बात है, जोर से बोलिएगा सभी, संदीप नहीं ये आंधी है। परमात्मा करें जोश उल्लास इसी प्रकार बना रहे। कार्यक्रम बहुत परवान पे है, बहुत बुलंदी पे है और जिन ऊंचाइयों पर एक कार्यक्रम पहुंच रहा है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिन्होंने 25 मई 1968 को श्रीमती कृष्णा देवी की पावन कोख से जन्म लेने के उपरांत चौधरी बहादुर सिंह जी जैसे समाज सेवी और वरिष्ठ राजनेता के घर आंगन में पल बढ़कर वो संस्कार हासिल किए जो संस्कार भाव को अक्षुण रखने के लिए नितांत आवश्यक है। वो संस्कार गो गंगा गाय गायत्री जैसे संस्कार है जिन पर हमारी संस्कृति कायम है। ऐसी शख्सियत ने मेधावी छात्र जीवन का परिचय दिया और PSC सिविल इंजीनियर की उपाधि हासिल की। 1995 में जो HCS भर्ती हुए उसके बाद अपनी प्रशासनिक आशीष यात्रा जिन्होंने शुरू की उसके बाद तब से लेकर आज तक पीछे
पीछे मुड़ के नहीं देखा है। 2001 में या 2 में शायद महेंद्रगढ़ की इस पावन और पवित्र भूमि पर जिनका पदार्पण हुआ था, जिसके रेत का एक एक कण शौर्य और साहस की गाथा का बयान करता है, उस पावन और पवित्र महेंद्रगढ़ की धरा पर उन्होंने जैसे ही अपनी आशीष यात्रा की शुरुआत की तो वहां पर नए आयाम कायम हुए हैं। वो चाहे कैना में रहे हो, चाहे रेवाड़ी में रहे हो, चाहे झज्जर में रहे हो, लेकिन उनका दिल हमेशा महेंद्रगढ़ में रहा है। और आज तक उन्होंने एक नया पैसा भी तनखा का अपने घर नहीं लेके गए हैं। कहावत भी है कि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षों में परमारथ के कारण ही चारों धारी में। ऐसे राजनीतिक संत नहीं, ऐसे प्रशासनिक संत जो हमारे बीच यहाँ कक्षी वर्मा है, जो अनेक अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, हरियाणा में नहीं, हरियाणा से बाहर राजस्थान हो चाहे यूपी हो, राजस्थान के एक मिस्टर देवेंद्र यादव हैं, उनको इन्होंने अडॉप्ट किया, उनको गोद में लिया। आज वो बच्चा एक्शन बना हुआ है ना हाईवे, जो ये अपने रोड बनाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ऐसे हर घर से, हर व्यक्ति घर से बाहर निकलाया था। महेंद्रगढ़ में ये सिस्टम चल रहा है कि हर घर से हर व्यक्ति बाहर निकला है और वो महेंद्रगढ़ की आजादी चाहता है। वो चाहता है कि सच्चाई का, ईमानदारी का और निष्ठा का साथ दूं। जैसे कि आपने कहा कि मंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। हंग असेंबली बनेगी इस बार क्लियरली, और किसी की एक सरकार नहीं आएगी, मिला जुला सिस्टम आएगा और उसमें इंडिपेंडेंस की वैल्यू बढ़ेगी बहुत ज्यादा। थर्ड को कल। हाँ जी, हाँ जी सर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है? मेन तो ये डेवलपमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट, तो उस जिस डेवलपमेंट सब कुछ आ जाता है, उसके बाद बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे और उसके बाद रोजगार का पूरा सिस्टम लेके आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। अगर जनता आप पे विश्वास जताती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? डेवलपमेंट एंड आपका रोजगार दिलवाना और बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों ही प्राथमिकता है हमारी, सबसे इम्पोर्टेंट है तीनों की तीनों। और जो मैंने आपको बताया कि सारे काम आपके द्वार पे होंगे, सारे काम आपके वार्ड में होंगे, सारे काम आपके गांव में होंगे, एक नया सिस्टम होगा पूरे हिंदुस्तान में, पहली बार इतिहास में सिस्टम होगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी ऑफिस में कहीं नहीं जाना पड़ेगा, अधिकारी कर्मचारी घर आके काम करेंगे, मतलब कहने मतलब वार्ड में काम करेंगे आके। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स, हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे घर के सदस्य खड़े हो रहे हैं, हम खुद खड़े हो रहे हैं। हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हम खुद इस बारी विधायक और मंत्री बनने जा रहे हैं, हर व्यक्ति को एहसास हो रहा है। देखो, जनता की टक्कर किसी से नहीं होती, जनता की टक्कर खुद से होती है, क्योंकि जनता ने फैसला कर लिया इस बारी कि भी जनता ही इस बारी विधायक बनने जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद।